ice in the air, love is all around. Love makes my world so complete and so sound. When the raindrops soak into my soul, there then this breeze tries to make me whole. But still my gaze keeps searching you without control. इसलिए आया हूँ। तो क्या मिल गया? हाँ मैं देख रहा हूँ। माया बेटा जल्दी आओ। हाँ माँ बस एक मिनट, आ रही हूँ। अच्छा राज मैं चलती हूँ, माँ बुला रही हैं। चले मॉल बंद होने वाला है, भूख भी जम के लगी है। तेरे चक्कर में रहूंगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। चल चल बुक्कड़। नानी मेरी भोली है, रोज नतीस चोरी है।
नाना क्या फंडा करता है? वो बोलता है, नाना नाना मेरे लिए आइसक्रीम लेके आया क्या? अरे यार मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेके आया और उतार देके रास्ते पे पिघल गया। झूठ। नाना नाना मेरे लिए समोसे लेके आया क्या? अरे यार मैं तेरे लिए समोसे लेके आ रहा था लेकिन रास्ते पे कुत्ते ने खा लिया। झूठ। मैं हूँ तेरे पीछे पड़ेगा कान के नीचे। क्या बात है माया? माया तुमने बहुत अच्छा गाया। थैंक्स राज, तुमने भी तो कितना अच्छा गाना गाया। माया कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ। हाँ माँ बस एक मिनट, आ रही हूँ। अच्छा राज मैं चलती हूँ। माया एक मिनट, मुझे कुछ बोलना है। क्या हुआ राज, जल्दी बोलो। माँ इज वेटिंग फॉर मी। अच्छा जाओ फिर, बाद में कभी। नहीं राज अभी बोलो। तुम यू आर टू गुड। तुम भी ना पागल हो। गुड इवनिंग राज, कैसे हो? ठीक हूँ, मतलब नहीं हूँ। मतलब तुम स्कूल छोड़कर जा रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी भूल गई थी, समझ में नहीं आया किसको बताऊँ और किसको ना बताऊँ। तुम क्यों जा रही हो? पापा का ट्रांसफर हो रहा है, जाना तो पड़ेगा। क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? मत जाओ प्लीज यार, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। लग जाएगा, ये सारे दोस्त तो है ना। तुम कुछ अलग हो सबसे। मतलब प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अच्छा चलो घर चलते हैं, देर हो गई है। तुम चलो मैं आता हूँ। बाय। देखो ना जरा प्यार से नजरें न चुराओ, ओ जानम कुछ प्यार की बातें कर लो, नखरे न दिखाओ ओ जानम। देखो ना जरा प्यार से नजरें न चुराओ, ओ जानम कुछ प्यार की बातें कर लो, नखरे न दिखाओ ओ जानम। देखो ना जरा प्यार से You are my darling, I want you many, listen no baby, You are my love, You are my darling, I want you marry. Listen, no baby, you are my love.
धड़कन मेरे दिल की, तू है सरगम मेरे गीतों की। ओ तू है धड़कन मेरे दिल की, तू है सरगम मेरे गीतों की। दिल से दिल मिल जाया कर, शाम सवेरे याद आया कर। ये दूरियां नजदीकियों में तुम बदल लो, ओ जानम कुछ प्यार की बातें कर लो। टकरे न दिखाओ ओ जानम, देखो नजर प्यार से। हर पल मुझको तेरी आस रहे, दिल में हर दम तेरी याद रहे। हर पल मुझको तेरी आस रहे, दिल में हर दम तेरी याद रहे। मैं तेरा हूँ ये जान भी ले, मुझको जानम पहचान भी ले। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ, अपना तो बना लो ओ जानम। कुछ प्यार की बातें कर लो, तकरे न दिखाओ ओ जानम। देखो न सर प्यार से नजरे न चुराओ ओ जानम। कुछ प्यार की बातें कर लो, तकरे न दिखाओ ओ जानम। देखो न सर प्यार से। You are my darling, I want you baby, listen no baby, you are my love. You are my darling, I want you baby, listen no baby, you are my love. You are my darling, I want you baby, listen no baby, you are my love. You are my darling, I want you daddy, listen no baby, you are my love. मैंने बस यार तुम्हारे सॉरी एक्सक्यूज मी, आर यू माया शर्मा? यस आई एम माया। माया मैं राज, तेरे बचपन का दोस्त। You change a lot, Maya. You also. गाना तुम बहुत अच्छा गाते हो, लड़कियाँ इंप्रेस हैं तुमसे। Thanks a lot. मैं चलती हूँ, मुझे काम है बहुत, बाद में बात करती हूँ। एक मिनट। माया, माया, चले निकलते हैं। और पहला मुकाबला होने जा रहा है माया और रश्मि के बीच में। पहला सेट मिस माया जीत गई है। हिटिंग ब्लॉक। और इसके साथ ही दूसरा सेट भी मिस माया के नाम। और इसके साथ ही सीधे सेट में मिस माया ने यह मुकाबला जीत लिया है। और अगला मुकाबला मिस माया और वर्षा के बीच में। और इसके साथ ही मिस माया ने लड़कियों की चैंपियनशिप जीत ली है। इस साल की गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियन मिस माया। बॉयज बैडमिंटन के लिए पहले मुकाबले में है राज और अभिषेक एक दूसरे के आमने सामने। बहुत अच्छा खेल रहे हैं मिस्टर राज, एक सेट जीत चुके हैं और ये दूसरा सेट भी उन्होंने अपने नाम पर किया। और इसके साथ ही 2-0 से आगे हैं मिस्टर राज। और अगर वो तीसरा सेट भी जीत जाते हैं तो सीधे मुकाबले में जीत जाएंगे। और इसके साथ ही ये मुकाबला उन्होंने अपने नाम पर किया।
अब मिस्टर राज के सामने है सुनील। देखते हैं ये कितनी देर उनका मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि इस समय मिस्टर राज बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है और उन्होंने ये पहला राउंड अपने नाम पर कर लिया। मुकाबला इन्होंने बिना कोई सेट हारे जीत लिया है। इस पूरे टूर्नामेंट में मिस्टर राज ने एक भी सेट और एक भी गेम नहीं गवाया, ये एक रिकॉर्ड है। भाइयों, अब बॉयज विनर वर्सेस गर्ल्स विनर के बीच एक फाइनल मुकाबला हो जाए। ये भाइयों, जो जीता वही सिकंदर। ये तो तैयार हैं आप? तैयार है। ऐसा शायद इस कॉलेज के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि गर्ल्स चैंपियन और बॉयज चैंपियन एक दूसरे के आमने सामने हैं। और जैसा कि सबने सोचा था, पहला गेम मिस्टर राज ने अपने नाम पर किया। नो वंडर बॉयज आर बॉयज। राज ये तेजी से गेम पर अपनी पकड़ बनाते हुए पहला सेट उन्होंने अपने नाम पर कर लिया है। बहुत मुश्किल है कि मिस माया उनसे ये गेम जीत जाए। एंड नो वंडर एक और सेट उन्होंने अपने नाम पर कर लिया है। बहुत मुश्किल होती जा रही है मिस माया की राह। कमन माया कमन, शायद उन्होंने अभी से हार मान ली है। लगता है कि सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। ओ, और एक गेम पलटी खाता हुआ, पहला गेम जीता है मिस माया ने। हारा हुआ गेम जीत चुकी है मिस माया, किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये भी पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने बॉयज चैंपियन को हराया है। थैंक यू। वाह, अब तो पार्टी बनती है मैडम। ओके। बनती है। यस यस यस। टीट तो बनती माया। ओके 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 गाइस। यार। क्या तू तो अच्छा खेल रहा था यार, फिर क्यों हार गया? अरे आशीष यार, कभी कभी ना जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। अच्छा। अरे तूने तो हम मर्द जात की नाक ही कटवा दी। नाक कटवा दी यार, सही कह रहा है। अरे बंटी भाई, समझा ना इनको, मुझसे ना उसकी हार देखी नहीं आती यार। उसी वजह से मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा, फिर चाहे वो कैसा भी बिहेव करे। जानता हूँ यार, इसीलिए तो तुझे कुछ कहा नहीं। चलो एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं। अच्छा, चलो, 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 चलो पार्टी करते हैं। हाँ सुनी लगती है ये जिंदगी, अपनी सी लगती है वो अजनबी। सुनी सुनी लगती है ये जिंदगी, अपनी सी लगती है वो अजनबी। आए मेरे बाहों में
सर फॉर्म। नाम? मेरा नाम रमेश शर्मा है सर। कौन सा चाहिए फॉर्म? बीकॉम।
ए, चल हट। ए, दो फॉर्म दे रहे इनको। भाई साहब लाइन में आ जाओ, हम लोग भी बहुत देर से खड़े हैं। जे बात। भाई साहब लाइन में आएंगे तो अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन रखिए, सबको जल्दी है। नया क्या रे? नहीं लेकिन प्राइवेट एग्जाम दे रहा हूँ। तभी देख छोकरे, तेरे में जितनी ताकत है वो लगा ले, मैं तेरे सामने ही काउंटर से फॉर्म लेके जाऊंगा। मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा। और शिकायत में ये भी कहना कि थप्पड़ मारा, और ज्यादा कुछ बोलोगे तो ये शिकायत की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। दादागिरी की भी हद होती है, पैसा है पावर है तो कुछ भी करोगे। आपने कुछ कहा मैडम? हाँ कहा, और आपने सुना भी शायद। आप बड़ी देर है। हाँ हूँ, एक पुलिस कंप्लेन करूँगी ना तो अंदर चल जाओगे, 24 घंटे तक बेल नहीं होगा आपका। कॉलेज संघ का चुनाव है, 2 घंटे के लिए अंदर हो जाओगे ना तो न्यूज़ बन जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। आप वाकई में बहुत ब्रेव हूँ, आप जैसी ब्रेव लड़कियों की हमारे देश को बहुत जरूरत है। मैं लाइन में आता हूँ ना, आप टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छी। चलो रे। हाँ भाई चलो। अरे चलो। हाँ सर। जैसे बताया था मैंने, माया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है बोलो? तुमने बताया नहीं प्रकाश तुमसे बदतमीजी करने आया था। क्यों बताऊं? और इन सब चीजों को मैं हैंडल कर सकती हूँ राज। अगर कुछ ज्यादा गलत करता ना छोड़ता नहीं साले को मैं। क्या करते तुम उसे मारते? हाँ साले को इतना मारता ना लड़कियों से बदतमीजी करना भूल जाता, बड़े बाप की औलाद साला। और मेरी बदनामी होती तो? माया ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ राज, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है, मैं सिर्फ तुम्हें अपने एक दोस्त की तरह मानती हूँ। और मैं क्या माया? तुम कुछ और ही समझने लगे हो राज, तुम्हें इस कॉलेज में कोई भी लड़की मिल जाएगी। माया तुम भी तो अच्छी हो ना। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करती हूँ राज, लेकिन मैंने किसी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन माया मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करता हूँ, बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा। मैं उसी समय से जानती हूँ राज, इसलिए तुमसे दूर रहने की कोशिश करती रही। माया माया मेरा विश्वास करो माया, दुनिया की हर खुशी दूंगा मैं तुम्हें। राज लेकिन तुम क्यों नहीं समझते, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, क्यों नहीं समझते हो तुम? अच्छा यार प्लीज गुस्सा मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, और तुम्हारी कसम मैं प्रकाश से झगड़ा भी नहीं करूंगा। टाइम ले लो, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। प्लीज राज हाथ छोड़ो मेरा राज, और मैं जो भी करूंगी अपने घर वालों की मर्जी से करूंगी, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। माया माया मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, माया माया। ये छोरा तो बहुत फड़फड़ा रहा रे, इसको देखना पड़ेगा, लड़की में काफी दम है भाई, दिल को भागी रे। आज सोना है दिन मेरा, आज सोनी है रात। अरे बेटा राज खाना लग गया है, खाना खा ले तो। माँ भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा ले। माँ सच में भूख नहीं है। अच्छा ठीक है तुझे जैसा अच्छा लगे, मैं थोड़ा सा खाना फ्रिज में रख रही हूँ, तुझे जब भूख लगे खा लेना, और हाँ खाली पेट मत सोना। हाँ ओके माँ।
कैसा है तू? सोनू, आजकल ये खोया खोया रहता है, रातों को उठ के रोता है और यही गाना गाता है, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की। भाई क्या बात है, क्यों टांग खींच रहा है मेरी? हमें पता है भाई, तू माया को ही पसंद करता है। क्यों, बात आगे बढ़ी क्या? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। डर मत यार। वैसे भी मैं उसे भाभी नहीं कहूंगा। तुम लोग बिना यार। अरे देख यार देख, राज को अब गुस्सा आ रहा है। अरे सोनू, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, आदमी शर्माता है, बावला हो जाता है। प्लीज यार, रिक्वेस्ट करता हूँ, माया को बीच में क्यों ला रहे हो? वो एक अच्छे घर की लड़की है, वो पढ़ने आई है यहाँ। तो हम क्या सारे यहाँ टाइम पास करने आए? सॉरी भाई, गुस्सा मत हो, प्लीज उसको मत बीच में लाओ यार, उसकी बदनामी होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कौन सोचेगा क्या बोलेगा। लेकिन तू तो समझ सकता है ना, बेवजह उसकी बदनामी होगी यार, समझो यार प्लीज। टेंशन मत ले मितान, तू बस आस मत छोड़ना, माया तुझे ही मिलेगी, और साले कमीने उसके चक्कर में हम लोग को मत भूल जाना, समझा तू? अरे मेरी जान, पागल हो गया तू? तो मेरी जान है यार। क्या बात है बंटी? क्या बात है, बड़ा उदास दिख रहा है। माया ने कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है बंटी, तेरे को तो पता है, जब उसे दिखता नहीं ना तो मन उदास हो जाता, वैसे भी आज कॉलेज नहीं आई वो यार, मन उदास सा लग रहा है। चलो फिर उसके घर चलते हैं, वही अपना पुराना तरीका। अरे नहीं बंटी, नहीं यार। देख कुछ तो बात है, पर मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, बट आई एम ऑलवेज विद यू ब्रदर, I'm always with you. Thank you, Bunty. चलना होगा तो बता देना यार. Sure. पक्का? पक्का. Take care. चलो कुनाल. चलो हम आते हैं. उससे मिलके आते हैं. Bye. Bye. Take care. Take care. अबे रुक! कर रहे थे हमारे बारे में, कोई जरूरी काम था क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन हमें तो करनी है ना। हमने तो सोचा था कि आपसे कॉलेज में ही जाके भेंट कर लें, लेकिन क्या करें, चुनाव का समय है, हम थोड़ा बिजी रहते हैं, जीतना है ना। लेकिन भगवान की इच्छा देखो, हमारे सामने ही लाकर खड़ा कर दिया। जय बजरंग बली। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। बच्चे, ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना, ये जो कॉलेज में तू करता है ना, मुझे सब पता है, ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। लड़की का चक्कर बहुत गंदा होता है, संभाल के रहियो, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, समझे? लड़की मिलती है तो ठीक, नहीं तो उसके चक्कर में पंगे मत लिया कर। चलो रे, साले ने बूट की मां पहन कर दी। बैठो। Thank you.
जो कि सभी गेमों से अलग तो नहीं है, लेकिन ये किसी भी कॉलेज में अभी तक खेला नहीं गया है। लिसन केयरफुली, हमारे पास एक बाउल है जिसमें बहुत सारे पेपर्स के चिट्स हैं। आपको इस बाउल से एक चिट निकालनी होगी और उसमें जो भी लिखा है ठीक आपको वैसा ही करना होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टॉप मोस्ट हेड ऑफ कॉलेज हमारे प्रिंसिपल जी से। इसमें तो गाना लिखा है और लेकिन आप लोगों के लिए एक कविता जरूर सुना सकता हूं। ओके सर, श्योर। पाली है हमने हसरतें और भी कई, और भी कई ख्वाब हैं जो पूरे करने हैं। क्या बात है सर। चले आओ तुम भी, हाथ थाम लो, मंजिलों के कारवां तो यूं ही बनते हैं। माना है सफर लंबा पथरीला रास्ता, आएंगी राह में मुश्किलें बार बार कई, गर कभी थक जाना तो ये याद रखना, वक्त के शहंशाह तो यूं ही बनते हैं। थैंक यू। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच सर। अब बारी है हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर रस्तोगी की। इसमें लिखा है मुझे एक गाना गाना है। प्रिंसिपल साहब ने आप सबको कविता सुनाई है, मैं आपको गाना सुनाने का प्रयास करूंगा। तो आपको कहीं एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आप उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सो मच सर। अब आप आ जाइए। ये यार इसमें तो डांस लिखा हुआ है। एक आदमी को फोन आता है, वो उसे पूछता है कि पोपटलाल है, तो वो बोलता है नहीं है। फिर से उसे फोन आता है, पूछता है पोपटलाल है, बोलता है नहीं है। फिर से उसको फोन आता है, पूछता है पोपटलाल है, बोलता है नहीं है। फिर से उसे फोन आता है, पूछता है पोपटलाल है, तो इस बार बोलता है हाँ है। वो बोलता है कि पोपटलाल नहीं हरा होता है। मैडम मैडम माया से डांस करवाइए।
कौन आएगा? मैं। अच्छा आप आ जाओ। अरे क्या लिखा है चिट्ठी में? लाइए। अरे बोलो बोलो। ओ इसमें तो मन की बात बोलना लिखा है। अरे खोलना यार दिल की बात। राज कम ऑन कम ऑन बोल डाल। मैं वो। अरे मैं क्या कर रहा है? बोल डाल बोल डाल। आप बोल राज कम ऑन। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? अरे किससे करता है? उसका नाम है माया। ये माया? अरे यार ये माया नहीं, पैसों की माया। मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा अमीर बनना है, एकदम अंबानी की तरह। और ये माया, ये बहुत अच्छी लड़की है। इनके बारे में क्या कहूं? आप लोगों ने इनको देखा है? अपने एनिमल्स की रिस्पेक्ट करना कोई इनसे सीखे। ये लड़की वाकई में बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी, कल्चर एक्टिविटीज में। ये जिन्हें भी अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। माया, यू आर ए लवली पर्सन। तुम बहुत अच्छी हो। अगर मैंने कुछ भी गलत बात की हो प्लीज मुझे माफ कर देना। माया प्लीज दो मिनट के लिए स्टेज पे आओगी प्लीज? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से कुछ झूठ बोला, मैं जिस माया के बारे में बात कर रहा था इस माया से मैं प्यार नहीं करता। जिस माया के बारे में मैं बात कर रहा था। क्या बात क्या? वो यही माया है। माया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माया मैंने बचपन से सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। माया मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। माया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माया I love you, Maya. राज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे कॉलेज का नाम बदनाम हो गया। तुम्हें एक अच्छे घर से आते हो। सॉरी सर। सॉरी कहने से क्या होता है? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस कॉलेज से निकालता हूं। लेकिन आओ।
राज, राज, राज कहाँ है तू? कब से खोज रहा हूँ यार तुझे। क्या हुआ भाई? माया ने कॉलेज छोड़ दिया राज, उसका कुछ पता नहीं। पता लगा है कि उसने कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, उसे बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है राज। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर रही है राज। अब वो तुझसे क्या बात करेगी यार? वो अब तुझसे नहीं मिलेगी राज। उसका कोई अता पता? नहीं राज, कुछ पता नहीं है यार। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। हाँ चल चल चल। सब मेरे कारण ही हुआ यार, मेरे कारण ही सब हुआ, मेरे कारण ही माया का कॉलेज छूटा सब। चल कोई बात नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे। अरे यार सब बुरा हुआ। हेलो। मैं तुमसे नाराज हूँ, एक फोन नहीं करता जब तक मैं ना बोलूं। सॉरी भैया, प्लीज आप नाराज मत हो मुझसे प्लीज। और माँ कैसी है? माँ बहुत बढ़िया है। ले माँ का नाम लिया ना, माँ से बात कर। प्रणाम माँ। खुश रहो, तेरा भाई शादी कर रहा है। क्या बात कर रही हो माँ? और माँ अब बता रही है तू मुझे? माँ ये बता लड़की कौन है, ये सब कैसे हुआ? माँ तू यहाँ रहेगा तब ना तुझे पता चलेगा। सॉरी माँ, तू फोन रख, मैं आया बस। लव यू माँ। बात करूं पापा से? क्या आप भी? चलिए माँ बुला रही है। We'll be right back.
ये कहाँ आ गई मैं? रोज रोज इसका चेहरा देखूंगी और रोज रोज मैं मरूंगी, जिससे मैं हमेशा दूर भागी, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई। कैसे जीऊंगी मैं? वाओ कितनी सुंदर। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना खा के आऊंगा। अरे सुन राज, बात तो क्या हो गया है आजकल राज को? कितना चुप सा हो गया है। शादी के टाइम पर आया था तो कितना खुश था, शादी की तैयारियां भी कितने अच्छे से कर रहा था, लेकिन अब एकदम उदास सा हो गया है, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। मुझे भी लग रहा है कुछ दिनों से राज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। माँ, क्यों ना हम लोग राज भैया की भी शादी करवा दें? तू ठीक बोलती है पगली, लेकिन उसे कुछ काम तो करने दे, फिर देखेंगे बाद में। क्यों बेटा? सही कहा। राज, क्या हुआ है तुम्हें आजकल? सुना है तुम रोज रोज ड्रिंक करने लगे हो, आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कैसे अकेला छोड़ दें बेटा, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई लड़की है? कोई लड़की नहीं है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो आप लोग। ये सब मेरे कारण हो रहा है, मेरी ही गलती है। सब कुछ मैंने मम्मी पापा पर छोड़ दिया था। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो कौन है, लेकिन ये तो राज का भाई निकला। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि लड़के का भाई कौन है, बहन कौन है, मम्मी पापा कौन है। बस मैंने उससे शादी कर ली। मेरी ही गलती है। मुझे माफ कर देना राज, मुझे माफ कर देना। माया बेटी, कैसी है तू? ठीक हूँ माँ। सब ठीक तो है? तेरी आवाज को क्या हुआ है? रुखी रुखी सी लग रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बोलो कैसे याद किया? तेरी बहन बिलासपुर में पढ़ने के लिए आने वाली है। बिलासपुर में जो रमन यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ उसका कॉल आया है, उसका सिलेक्शन हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन उसे लेना चाहती है। भेज दो माँ, मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है बेटा, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। राज, क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुन राज, क्या हुआ यार? एक्सक्यूज मी, आप कौन? पहले बताओ आप कौन और मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरे राज भैया, ये है रिया, माया भाभी की बहन। तो ये मेरे रूम में क्या कर रही है? ये आपका कमरा था लेकिन अब इनका है, अब आप बाहर हॉल में जाके सोइए। देख छुटकी, मैं बाहर हॉल में शिफ्ट नहीं होऊंगा, इतना तुझे ये ना, तो इसको अपने रूम में ले जा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। तो आप राज हो? सुना है आपने MBA किया है, वो भी फर्स्ट क्लास? हाँ बिल्कुल ठीक सुना है। ओ, मैं भी यहाँ MBA करने आई हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? बिलासपुर में जो यूनिवर्सिटी है ना, मैं वहाँ ज्वाइन करने वाली हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पे ले चलेंगे? क्यों, अकेली नहीं जा सकती, और वैसे भी यहाँ पे लोकल ऑटोस चलती है, बसेस चलती हैं।
और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है ना हमारा बिलासपुर कितना सेफ है। नहीं हूँ ना, इसलिए डर लगता है कहीं आपके शहर के लड़के मुझे परेशान ना करें। हाँ, बिलासपुर के लड़के थोड़े आशिक मिजाज के हैं। जरा सी सुंदर लड़की देखी नहीं की, देन सोचूंगा मैं। एक दिन संता के पास फोन आया और उस आदमी ने संता से पूछा, तुम्हारे पास फ्रिज है? संता ने बोला हाँ है। फिर उस आदमी ने संता से पूछा कि चलता है? फिर संता ने बोला हाँ चलता है। तो उसने बोला पकड़ के रखना नहीं तो भाग जाएगा। अब सेकंड टाइम फिर से फोन किया और उसने बोला तुम्हारे पास फ्रिज है? तो संता ने बोला हाँ है। तो उसने बोला चलता है? तो संता ने बोला हाँ चलता है। फिर से उसने बोला पकड़ के रखना नहीं तो भाग जाएगा। अब तीसरी बार फिर से फोन किया उसने और उसको बोला तुम्हारे पास फ्रिज है? अब संता इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होके बोलता है नहीं नहीं है फ्रिज। फिर वो आदमी बोलता है कि कहा था ना पकड़ के रखना नहीं तो भाग जाएगा, देखा भाग गया ना। एक और एक और एक और एक और सुनाती हूँ, ठीक है? एक दिन एक बकरी पहाड़ पर चढ़ी। एक दिन एक छोटी सी बकरी पहाड़ पर चढ़ी। एक दिन एक छोटी सी बकरी, क्यूट सी बकरी, पहाड़ पर चढ़ी। एक दिन एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी। एक दिन एक छोटी सी बकरी, एकदम छोटी सी बकरी, पहाड़ पे चढ़ी। एक दिन एक छोटी सी बकरी पहाड़ पे चढ़ी। अरे फिर क्या हुआ यार? फिर क्या होगा, घास खाकर आ गई। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ। अरे तुम जीन्स क्यों नहीं पहने हो? अब इसमें क्या खराबी है राज? अरे जीन्स पहन कर आओ ना, अच्छे लगोगे, हैंडसम लगोगे और फिर लड़कियां भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। अरे चुप करो यार, चला जाता हूँ जीन्स पहनने। इडियट। कैसा लग रहा हूँ? वाव, क्या बात है, एकदम हॉट लग रहे हो। सुनी सुनी अखियों में बिंदिया ना आए, हर पल उसके याद सताए, तेरे बिना सुनी
तेरे बिना जीना अब महंगा पड़ा है रे। बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों, क्यों नहीं पढ़ाओगे तुम मुझे? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तो तुम्हें मना ही लूंगी। एक बात बताओ राज, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ क्या तुम तो मुझे बताना ही नहीं चाहते? अच्छा एक बात बताओ, क्या वो खूबसूरत है मुझसे भी ज्यादा? अरे चुप कर यार, पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, जा यहां से। दीदी मुझे शॉपिंग करने जाना है, चलो ना मेरे साथ। नहीं मुझे नहीं आना, तू चली जाना छुटकी के साथ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके छुटकी मेरे साथ शॉपिंग करने चलेगी, उसके बाद हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। अरे नहीं मैं नहीं चल सकती, मुझे अभी बहुत सारा काम है। आप ना राज भैया के साथ चले जाओ। राज भैया आप ना रिया दीदी को शॉपिंग के लिए लेकर जाओ और एक अच्छी सी मूवी भी दिखा देना। ज्यादा ही पटर पटर नहीं कर रही तू, तू ही लेके जा इसको। अरे नहीं वो मेरे साथ कहाँ जाएंगी, वो तो आपके साथ अच्छी लगती हैं। बहुत बोल रही है तू आजकल। क्यों नहीं अच्छी लगती आपको? बोलो तो बात आगे बढ़ाओ। चुप करती है दूं एक। रुक तेरी शादी करवाता हूँ पहले आप। ठीक है जा रहा हूँ, खुश। ये छुटकी भी ना। यस ये। राज राज क्या तुम मुझे डैम दिखाने ले चलोगे? मुझे ना डैम बहुत अच्छा लगता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों प्लीज? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बना दूंगी तो भी नहीं लेकर जाओगे? अरे यार तुम जीजू को क्यों नहीं बोलती? जीजू को? और वैसे भी मैंने देखा तुम जीजू से कुछ मजाक भी नहीं करती। आखिर यार तुम उनकी साली हो यार। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ला दूं तो? फिर तुम शादी कर लेना उससे। फिर तुम मुझसे खुश रहोगी। क्या हुआ तुम खुश नहीं रहोगी? नहीं। क्यों? तुम नहीं समझोगे राज। तो हम चले क्या? अगर ना बोलू तो मैं क्या कर सकती हूँ? आखिर क्या अधिकार है मेरा आप पर? कभी आप बोलती हो कभी तुम बोलती हो। अरे तुम ही बोलो ना। तुम बोलूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। और क्या? और बस तुम ही बोला करो। बोलूंगी तो क्या तुम मान जाओगे? बोलो तो सही। चलो Thank you.
चाहता है, जी चाहता है, ख्वाबों में सांसों में बाहों में झूलों में कलियों में फूलों में जी चाहता है। इनमें खो जाऊं हरने सर सर सराती पवन इतराती नदियां खिलती हैं कलियां पर्वत भी करती नमन इन हवाओं को शबनम बना दूं इन फिजाओं को नगमे सुना दूं इन घटाओं से जुल्फे सजा दूं चाहता है। देखो बुक पढ़ती रहती है। अरे दोनों भैया एग्जाम पास है। अरे मुझे भी टाइम देना। अरे नहीं दोनों। अरे क्या हुआ भैया?
बहुत दर्द हो रहा है। आप ठीक तो है ना? पापी, पापा, जल्दी आओ, भैया को बहुत पेन हो रहा है। डॉक्टर माथुर जी, इनका ब्लड प्रेशर चेक कर जी सर। इनकी सोनोग्राफी करवाओ और रिपोर्ट मुझे तुरंत लाकर दिखाओ। जी चलिए मिस्टर। सर ये इनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट है, ये देखिए सर। देखिए इनकी तो किडनी खराब हो चुकी है। क्या? दोनों किडनियां खराब हैं। अगर एक भी ठीक होती ना तो हम काम चला सकते थे। यानी मैं नहीं बच पाऊंगा? नहीं, हम कुछ करते हैं। क्या हो गया भगवान? मैं जीना चाहता हूँ भगवान, मैं जीना चाहता, अपने प्यार के लिए जीना चाहता हूँ भगवान, मुझे बचा लो प्लीज। अपने रिया के लिए जीना चाहता हूँ भगवान, मुझे बचा लो। अगर रिया ने सुन लिया तो वो तो पागल हो जाएगी भगवान। राज, राज ये मैं क्या सुन रही हूँ? राज, राज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राज तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सब शराब के नशे के कारण हुआ। राज तुम शराब पीते हो? मैं पीता था जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मैंने शराब छोड़ दी। रिया मर चुका था, मैं जीने के बारे में सोचा भी नहीं। तुमने मुझे नई जिंदगी दी, तुम मेरे नशे को कम किया, तुम मेरे लिए लकी हो रिया। रिया सिर्फ तुम ही हो जितने मुझे हंसना सिखा। रिया तुम नहीं जानती मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, मैं बनने वाला हूँ। कैसे कैसे सपने तेरी यादों में देखा था, सपने हो गए चूर जो तेरी यादों में देखा था। तेरी आशिकी तेरी सादगी, तेरी आशिकी तेरी सादगी को भूलूं बता दे तू कैसे। कैसे कैसे सपने तेरी यादों में देखा था, सपने हो गए चूर जो तेरी यादों में देखा था।
सावन में बदली को तरसे, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, जैसे सावन में बदली को तरसे। मेरे सावन में बिजली चमकता नहीं, ना गरजता नहीं, ना बरसता नहीं, सिर्फ आंसू निकलते हैं ऐसे। कैसे कैसे सपने तेरी यादों में देखा था, सपने हो गए चूर जो तेरी यादों में देखा था। सपने हो गए दो पल में चूर, हो गया मैं तो तुझसे मजबूर, तेरी दुनिया से हो गया दूर। कैसे कैसे सपने तेरी यादों में देखा था, सपने हो गए चूर जो तेरी यादों देखा था। दीदी, दीदी मैं राज से प्यार करती हूँ,
दीदी राज की किडनी खराब हो चुकी है। दीदी क्या? दीदी प्लीज राज को बचा लो। क्या? दीदी क्या? दीदी मैं राज की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? क्या कह रही है तू? ये तूने क्या कर डाला? मैं सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। ये क्या कर डाला तूने? अब क्या होगा? दीदी दीदी राज को बचा लो। दीदी प्लीज राज को बचा लो। दीदी प्लीज राज को बचा लो। दीदी मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मैं। राज की हालत बेहद खराब है। आप लोगों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप उनसे मैच नहीं कर रहा। संधी जी, आपने आपने ये सब कैसे होने दिया भाई? ये दोनों कब से आपस में प्यार कर रहे हैं और आप सिर्फ तमाशा देखते रहे? बताइए, जवाब दीजिए। बोलिए। हम क्या करेंगे समधन जी? राज और रिया के बारे में हमें आज ही पता चला। बस अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। भाभी माँ, मुझे बचा लो। भाभी माँ, मुझे बचा लो। भाभी माँ, राज, नहीं रुक राज। मैं जीना चाहता हूँ भाभी माँ, मैं जीना चाहता हूँ भाभी माँ, मैं जीना चाहता हूँ। मेरे के लिए बचा लो भाभी माँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। बहुत प्यार करता हूँ शादी, मेरे लिए नहीं, प्लीज के लिए बचा लो। प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ भाभी माँ। कुछ नहीं होगा राज, कुछ नहीं होगा। हाँ, यहीं पर है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज प्लीज राज की जान बचा लीजिए। प्लीज आप चाहे तो मेरी किडनी ले लीजिए। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ तो कीजिए। प्लीज राज को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज आप प्लीज बैठिए। प्लीज
नहीं भूलूंगी, मेरे राज को बचा ले। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जी धन्यवाद। हमारे राज को किडनी मिल गई रिया। हाँ बेटा, माया ने किडनी डोनेट की है। Do not disturb, cut it. जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, ख्वाबों में सांसों में बाहों में झूलों में कलियों में फूलों में जी चाहता है। इनमें खो लगे हरने सर सर सराती पवन इतराती नदियां खिलती हैं कलियां पर्वत भी करती नमन इन हवा।